आज आप इस वीडियो में हॉलीवुड की पांच सबसे बेहतरीन साइंस फिक्शन फिल्मों के बारे में जानोगे। एक मिनट रुक जा भाई, तो वीडियो में बताया गया अगर किसी मूवी को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम आपको कमेंट में लिंक प्रोवाइड कर देंगे। बस आपको एक बार बताना पड़ेगा कि हाँ हमें इस मूवी को डाउनलोड करना है, हम आपको लिंक दे देंगे, तो आप देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। तो आज आप इस वीडियो में हॉलीवुड की पांच ऐसी साइंस फिक्शन फिल्मों के बारे में जानोगे जिसे सुनने और देखने के बाद में आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, ओएमजी। जी हां, मूवी में जो मैं पांच मूवी आपको बताऊंगा इसमें साइंस फिक्शन तो कुड़कुड़ कर तो भरा ही रहेगा, उसके साथ में आपको स्पेस और एडवेंचर और एक्शन जैसी तमाम प्रकार की कैटेगरी देखने को मिलेंगे। तो इन सभी पांच फिल्मों को अभी आप एक आगे करके काउंट डाउन करते हुए मैं आगे चलते हुए दिखाऊंगा और आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना क्योंकि नंबर वन पर कुछ स्पेशल मूवी है जिसे आप देखना जरूर पसंद करेंगे। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे फाइव पोजीशन पर आती है प्रोमेथियस। यह एक साइंस फिक्शन और स्पेस एडवेंचर बेस्ड मूवी है। इसमें क्या होता है, कुछ लोग पृथ्वी से बहुत अरबों प्रकाश वर्ष दूर जाते हैं सफर करने के लिए, एक नए जीवन की तलाश में जाते हैं, एक नए ग्रह पे जाते हैं। इस मूवी में साइंस फिक्शन इतना ज्यादा कूट कूट के भरा है कि आपको एक समय के लिए रोमांचित कर देगा। और हाँ, इस मूवी को जब तक आप पूरा देख नहीं लेंगे तब तक आप एक जगह से हिलेंगे नहीं, क्योंकि यह मूवी आपको पूरा अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच लेती है और ऐसी ही मूवी को लोगों को तलाश रहती है कि पूरा अट्रैक्शन वो अपनी तरफ खींच ले। तो अगर आपको ऐसी मूवी की तलाश है तो इस मूवी को जरूर देखना। अगर आपको इस मूवी को चाहिए तो भी मैं शुरुआती में बताया हूँ, आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगा। बस आपको एक बार हमसे कमेंट में जरूर कहना होगा कि हाँ इस मूवी का लिंक चाहिए। हमारे फोर पोजिशन पर आती है दी वैलेरियन दी सिटी ऑफ थाउजेंड प्लैनेट। इस मूवी में आपको जो है धरती का बहुत ही कम सीन देखने को मिलेगा और आपको इस मूवी में फ्यूचर में ट्रैवल कराया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह पूरी मूवी बेस्ड है फ्यूचर के ऊपर और फ्यूचर के ऊपर बेस्ड है तो जाहिर सी बात है साइंस फिक्शन तो कूट कूट कवर रहेगा। और हाँ, इस मूवी में आपको कुछ ऐसे ऐसे सीन्स मतलब ऐसे ऐसे ग्रह के बारे में बताए जाएंगे जो आपका सोच और समझ से तो बिल्कुल परे। और हाँ, इसमें टेक्नोलॉजी का ऐसा यूज किया गया है जो आपको देखने पर एकदम से रोमांचित कर देगा। जो सीन्स है बहुत ही अलग लेवल का दिखाए गए हैं हर मूवियों की अपेक्षा में और इस मूवी ने अपनी बजट की अपेक्षा बहुत अच्छी खासी कमाई की थी। तो इस मूवी को देखना तो बनता है, अगर चाहिए तो कमेंट में आओ बताओ और हमसे लिंक ले जाओ और मूवी को आराम से देखो। हमारा थर्ड पोजीशन पर आती है लाइसियम। लाइसियम एक ही बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिसको आपको एक बार देखना तो पड़ेगा क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे आप चौंक जाओगे। जी हाँ दोस्तों, मूवी में क्या बताया गया कि धरती पर, इस मूवी में दिखाया गया कि जो धरती पर सबसे अमीर लोग हैं वह पृथ्वी को प्रदूषित करके एक अलग ग्रह पर चला जाते हैं, मतलब वह ब्रह्मांड में रहने लगते हैं और जो गरीब लोग होते हैं वह धरती पर ही रह जाते हैं। उनमें से एक होता है जो सभी लोगों को वहां पर लेकर जाना चाहता है क्योंकि यहाँ का वातावरण खराब हो चुका होता है। और इस मूवी में साइंस फिक्शन के बारे में यह बताया गया है कि वहां पर लोग कैसे सरवाइव करते हैं और वहां का वातावरण कैसा होता है, इन्हीं सब के बारे में इस मूवी में बताया गया है। एलाइसियम 2013 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी में अपनी जगह भी बनाई थी। तो इस मूवी को अगर देखना है तो एक बार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस मूवी को जरूर देखें, यह मूवी बहुत ही बेहतरीन है। उम्मीद करता हूं आप इस मूवी को जरूर देखेंगे। हमारे सेकंड पोजीशन पर आती है पैसेंजर। पैसेंजर एक साइंस फिक्शन और स्पेस बेस्ड मूवी है। इस मूवी में दिखाया है गया कि पृथ्वी के कुछ क्रू मेंबर और कुछ लोग एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर उनको 100 प्रकाश वर्षों का दूरी तय करना पड़ता है और वह वहां पर पहुंचते कैसे हैं। पर हाँ, उनके कुछ 80 प्रकाश वर्ष पहले ही कुछ चैम्बर खराब हो जाता है और एक आदमी उनमें से उठ जाता है और वह अपना 20 जो प्रकाश वर्ष वह कैसे कंप्लीट करेगा और इतना लंबा समय वह प्लेन में कैसे बिताएगा, इन्हीं सब मूवी के बारे में बताया गया है। और हाँ, मूवी जो है इतनी ज़्यादा ग्राफिक्स से भरी पड़ी है कि आपको एक समय के लिए एक अलग ही दुनिया का एहसास कराएगी। और साइंस फिक्शन तो इतना ज़्यादा है कि आपको धरती का सीन दिखेगा ही नहीं, बस आपको ब्रह्मांड 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 बस और आपको यूनिवर्स दिखेगा। तो इस मूवी को अगर देखना है तो हमें एक बार कमेंट में बता दो, हम आपको लिंक तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। और हाँ, जो मूवी नहीं डाउनलोड करना जानते हैं उनके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप उसको एक बार जरूर देखना मेरे चैनल पर जाकर, और ऐसे वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लो। और हमारा फर्स्ट पोजीशन पर आती है माय फेवरेट अवतार, और दुनिया की दूसरी सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी अपनी जगह बनाने वाली अवतार। पहले तो फर्स्ट थी पर आप एवेंजर एंडगेम ने उसको भी पीछे कर दिया, पर अवतार 2 आ रहे हैं। चलो इन सब बातों को छोड़ो और आगे बढ़ते हैं। अवतार एक ऐसी मूवी है जो लोग नहीं जानते उनके बारे में बता दूँ, यह एक फुली बेस्ड है 2009 में मूवी आई थी, फुली बेस्ड है फ्यूचर पर और उसके बारे में बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं क्योंकि यह साइंस फिक्शन से इतनी ज़्यादा कूट के भरी आने वाले कि 2009 में इसने $2 बिलियन क्रॉस कर दी थी और ऐसी मूवी बनी थी। और इस मूवी को मैं डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक बिना कहे प्रोवाइड करा रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाओ और उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप मूवी डाउनलोड करना जानते हो तो डाउनलोड कर लो, अगर नहीं करना चाहते हो तो अगर मेरे कमेंट सेक्शन में 50 लोगों ने से अधिक ने कह दिया कि इस मूवी को डाउनलोड करना बता दो, मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ, अगर फिल्मों को डाउनलोड करना चाहते हो या फिर ऐसे मूवी आपको जानना पसंद है या फिर किसी ट्रेलर और मूवी का रिव्यू देखना पसंद है तो हमारे चैनल को बेशक सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट।